बेटा क्वेश्चन नंबर 6.4 में हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर और उसमें एक स्मॉल कट है। तो ये जो फिगर में मैंने रेड कलर से बना रखा है ये रेक्टेंगुलर वायर लूप है। इसकी ये साइड 8 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है। यहाँ एक स्मॉल कट है ये इस जगह। इस कट के अक्रॉस हमें ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। और दो सिचुएशन दी है, जब ये विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड लॉन्गर साइड के नॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब फर्स्ट केस में लॉन्गर साइड के नॉर्मली मूव कर रहा है, ये लॉन्गर साइड है 8 सेंटीमीटर मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और सेकंड केस में क्या कहा गया है, जब ये शॉर्टर साइड के नॉर्मली मूव कर रहा है। फील्ड से बाहर आना है इसको दो तरीके से आ सकता है, या तो लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलरली या शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलरली। तो हमें इन दोनों केसेस में मोशनल ईएमएफ फाइंड करना है। अब देखिए बेटा एक चीज हमको यहां ध्यान रखनी है, जब ये लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलरली मूव करेगा तो इसको फील्ड से बाहर निकलने में, इसको फील्ड से बाहर निकलने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इसको टाइम कितना लगेगा इस केस में, 2 सेकंड, इतना टाइम लगेगा। इन केस ऑफ जब ये शॉर्टर साइड के नॉर्मली मूव कर रहा है तब इसको फील्ड से बाहर निकलने के लिए कंप्लीटली 8 सेंटीमीटर ट्रेवल करना है, और इस समय टाइम कितना लगेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है स्पीड तो इस समय टाइम लगेगा 8 सेकंड। ये दोनों केसेस का अलग अलग टाइम है, मतलब फर्स्ट केस में सिर्फ 2 सेकंड तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और सेकंड केस में 8 सेकंड्स तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आफ्टर 8 सेकंड्स यहां कोई ईएमएफ नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरी तरह से फील्ड से बाहर आ चुका होगा, और फर्स्ट केस में 2 सेकंड्स तक रहेगा ईएमएफ। नाउ दोनों केसेस में ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हम निकालते हैं। हम पहले से जानते हैं मोशनल ईएमएफ के लिए फॉर्मूला होता है मोशनल ईएमएफ इक्वल्स टू BLV। यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑलरेडी गिवन है 0.3 टेस्ला। लेंथ, इस केस में लेंथ ये वाली कंसिडर की जाएगी, जिस लेंथ के नॉर्मली ये मूव कर रहा है ये वाली लेंथ कंसिडर की जाएगी, जिस लेंथ के नॉर्मली मूव कर रहा है। तो ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 0.08 एंड वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज 0.01 मीटर पर सेकंड। सब कुछ हमने एसआई सिस्टम में ले लिया, तो ये आता है बेटा कैलकुलेट करके 2.4 इंटू 10^-4 वोल्ट्स। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कट इन फर्स्ट केस। और कितनी देर तक लास्ट करेगा ये, मतलब कितनी देर तक बना रहेगा ये ईएमएफ, दिस ईएमएफ विल लास्ट फॉर 2 सेकंड्स। हमने पहले ही निकाल लिया था कि 2 सेकंड तक रहेगा ये। इन सेकंड केस ईएमएफ विल बी बीएलवी अगेन 0.3। लेंथ इन दिस केस इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर। वेलोसिटी अगेन इज 0.01 मीटर पर सेकंड, सो इट कम्स आउट टू बी 0.6 इंटू 10^-4 वोल्ट्स एंड दिस ईएमएफ विल लास्ट फॉर 8 सेकंड्स, बिकॉज 8 सेकंड्स वो टाइम है जितना इस लूप को फील्ड से कंप्लीटली बाहर आने में लगेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।